मैं विजया बहुगुणा आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आपको हिंदी में दो नोटबुक और दो आपको बुक मिली होगी। पहली नोटबुक आपकी हिंदी लिटरेचर की है और दूसरी जो नोटबुक है आपकी वो हिंदी लैंग्वेज टू की है। जो हिंदी लिटरेचर वन है उसमें आप रिमझिम मतलब एनसीईआरटी का सारा वर्क करेंगे और जो दूसरी आपकी बुक है मैं और मेरा व्याकरण इसका सारा वर्क या इसके अतिरिक्त भी जो आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा वो आप हिंदी लैंग्वेज टू में करेंगे। यहाँ पर आपकी बुक ऐसे ही होगी, उसमें सिर्फ जो क्लास होगी वो संख्या चेंज होगी, आपकी फर्स्ट है तो फर्स्ट होगी, सेकंड है तो सेकंड होगी, पर बुक का जो फर्स्ट फिगर है जो बुक है वो यही होगी। ठीक है, तो आपके पास दो नोटबुक है, हिंदी लिटरेचर वन हिंदी लैंग्वेज टू। हिंदी लिटरेचर में आप एनसीईआरटी का सारा वर्क करेंगे और हिंदी लैंग्वेज टू में आप मैं और मेरा व्याकरण का और उसके अतिरिक्त जो भी आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा वो आप करेंगे। अब आपको जब आप अपना काम शुरू करेंगे उससे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने जब भी आप अपना काम शुरू करें आपने दिनांक उसमें लिखनी है। दिनांक लिखने का जो तरीका है ये वाला तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले आपका वार आना चाहिए, जो दिन है वो आना चाहिए, उसके बाद आपकी जो दिनांक है वो आनी चाहिए, उसके बाद महीना और उसके बाद उसका सन आना चाहिए। ये दिनांक लिखने का तरीका है। उसके बाद आप पाठ संख्या लिखेंगे कि वो पहला पाठ है कि दूसरा पाठ है, उस पाठ की संख्या लिखेंगे। पाठ संख्या लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप पाठ का नाम लिखेंगे कि वो पाठ कौन सा है। आपने जो भी वर्क करना है वो एक एक लाइन को छोड़ छोड़ कर आपने वर्क करना है। जैसे आपने दिनांक लिखी, दिनांक के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद फिर पाठ की संख्या, फिर एक लाइन आपने छोड़नी है और पाठ का नाम आना चाहिए। अब उसके बाद फिर एक लाइन स्किप करनी है और आपने ये करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप कठिन शब्द कर रहे हैं तो कठिन शब्द लिखिए, अगर आप शब्दार्थ कर रहे हैं तो शब्दार्थ कर लिखिए, रिक्त स्थान कर रहे हैं तो रिक्त स्थान, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको उसका टाइटल जरूर दीजिए, शीर्षक जरूर दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, और अगर क्रमांक संख्या की भी जरूरत है तो आप उसको क्रमांक संख्या डालिए, जैसे जब हम किसने किससे कहा करते हैं या रिक्त स्थान करते हैं तो हम क्रमांक संख्या जरूर डालते हैं। प्रश्नोत्तर में भी आप क्रमांक संख्या जरूर डालें, उससे पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न हैं, आसानी होगी पढ़ने में। और जब भी आप रिक्त स्थान करें उसमें जो शब्द आप भर रहे हैं उसको रेखांकित जरूर करें कि आपने कौन सा शब्द भरा है। आपका जो भी वर्क है वो सुंदर लेख और साफ सुथरा होना चाहिए। जो भी आपको वीडियो दिए जा रहे हैं आप उनसे कुछ भी कॉपी न करें, आपको उससे वीडियो के नीचे ही जस्ट नीचे आपको इमेज दी जाती है हर समय, जब भी कोई क्लास शेड्यूल के अनुसार जो भी क्लास चलती है उसके नीचे इमेज दी जाती है आपको, तो आप जो भी वर्क है वो इमेज से ही कॉपी करें, वीडियो से कुछ भी कॉपी न करें। यदि किसी भी बच्चे ने अपनी दोनों नोटबुक का काम एक ही नोटबुक में कर दिया है, यानी हिंदी लिट लैंग्वेज का काम एक ही नोटबुक में कर दिया है या लिट का काम लैंग्वेज में दोनों में एक मर्ज कर दिया है, तो आप उस पर परेशान ना हो, आइंदा से आप जो भी वर्क अब आपको आगे दिया जाएगा आप उसको सेपरेट नोटबुक में अलग अलग नोटबुक पे करें। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है, नहीं आपके पास है, तो आप एक ही नोटबुक में दोनों वर्क कर लीजिए। अब जिसका भी कोई भी वर्क अगर छूट गया है, कोई पार्ट छूट गया है या पार्ट्स में जो हमने शीर्षक करवाए हैं, कोई टॉपिक छूट गया है, तो आप अब हम रिवीजन करवा रहे हैं, जो भी आपको छूट गया आप उसको रिवीजन के थ्रू चीज को समझ सकते हैं। यदि किसी भी अभिभावक को या बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है या उलझन आ रही है किसी भी काम करने में तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट टीचर को ही मैसेज या कॉल करनी है। जो भी वर्क आप बच्चा कंप्लीट कर रहा है आपने उसको सब्जेक्ट टीचर को ही भेजना है, आप पूरे ग्रुप में मत उसको सेंड करिए, आपने सिर्फ सब्जेक्ट टीचर को ही कॉल करनी है या सब्जेक्ट टीचर को ही मैसेज करना है, और जब आपका काम भी पूरा हो जाए तो आपने सब्जेक्ट टीचर को ही वो वर्क सेंड करना है। जो हिंदी व्याकरण में है उसमें जो कम मतलब सीमित अभ्यास कार्य है तो हम उस अभ्यास कार्य को भी करेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपको जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कई आपको अभ्यास कार्य दिए जाएंगे, तो आप
उस अभ्यास कार्य को भी करेंगे और जो आपके बुक के एक्सरसाइज है प्लस उसको भी करेंगे। यदि जो भी अभी तक पढ़ाए गए पार्ट हैं वो अगर आपके इनकम्प्लीट हैं तो आप कॉल या मैसेज कर लीजिए। जब भी आप अपना वर्क भेजें तो वो पर्सनल नंबर या सब्जेक्ट टीचर को ही भेजें और उसमें आपका बच्चे का नाम और क्लास जरूर होनी चाहिए। अगर आपके वो भी नहीं है तो आप जो व्हाट्सएप प्रोफाइल होता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे की पिक लगा दीजिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सके कि ये किसने हमें वर्क भेजा है। क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टू फिफ्थ पूरी हिंदी की क्लासेस है तो मुझे आइडेंटिफाई करने पहचाने में प्रॉब्लम आ जाती है कि ये किसका वर्क है। तो फिर मैं अगर मुझे उसकी मिस्टेक या उसकी गलतियां भी बतानी हो तो फिर मुझे थोड़ी दिक्कत आती है कि मैं उसकी परेशानियां कैसे बताऊं या उसका कोई करेक्शन है तो फिर मैं कैसे उसको बताऊं। तो इसलिए आप ये कर सकते हैं, आप जब भी अपना वर्क भेजें तो उसमें नाम और क्लास जरूर होनी चाहिए या तो फिर आप जो व्हाट्सएप प्रोफाइल है उसमें आपका बच्चे की पिक होनी चाहिए तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप फोटो लगा लेना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा करी। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कॉल या मैसेज करके हमें उस सवालों के आप उत्तर ले सकते हैं, उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जो कॉल करने का समय है वो 4 PM to 7 PM है, आप उस समय हमें जब कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगली हिंदी की क्लास में।